उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट आई है। आप लोगों ने देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ है। और यहाँ जैसे पहला आपका स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा आपका एडुकेशन डिटेल आपको डालना है, तीसरा में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, चौथा में आपका पेमेंट करना है और पाँचवा में आपका एप्लीकेशन प्रिंट होगा। तो इस फॉर्म को भरने से पहले हम लोग चलो देख लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका 31/8/2021 तक है, और लास्ट डेट आपका पेमेंट करने का जो है वो भी आपका 31/8/2021 तक है। इसका एग्ज़ाम कब होगा वो अभी कंफर्म नहीं है, और एडमिट कार्ड भी आपको जो है नोटिफाइड कर दिया जाएगा जब एग्ज़ाम होगा। इसमें जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 176.55 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा, एसटीएससी को 86.55 रुपये का आपका फ़ी देना पड़ेगा, और पीएच जो कैंडिडेट है उनको 26.55 रुपये का आपका फ़ी देना पड़ेगा। इसका जो पेमेंट आपको करना है आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है वो आपका 21 साल है और मैक्सिमम आपका 42 साल तक के कैंडिडेट आपको लोगों ने आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, एसटीएससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और एक्स सर्विसमैन को 10 साल का एज में रिलैक्सेशन वो इसमें दिया गया है। इसमें टोटल जो है आपका 224 पदों पर रिक्वायरमेंट है। इसमें जो आपका कैंडिडेट आवेदन करेंगे उसको बैचलर डिग्री इन साइंस माना गया है या फिर उसका बीटेक होना चाहिए, जो आपका सब्जेक्ट उसका एग्रीकल्चर बॉटनी केमिस्ट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियर या फिर फॉरेस्ट्री जूलॉजी हार्टिकल्चर मैथमेटिक्स फिजिक्स स्टेटिक्स वेटनरी साइंस जूलॉजी ये सारा सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। आपका जो मेल कैंडिडेट उसका हाइट इसमें आपका 163 सेंटीमीटर माँगा गया है, फीमेल कैंडिडेट का 150 सेंटीमीटर माँगा गया है, चेस्ट जो मेल का है 84 से लेकर 89 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, फीमेल का आपका 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इसका जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है अल्मोरा है, बागेश्वर है, चंपावत है, देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुके, रुद्रपुर, खातिमा, पतन नगर, पिथौरागढ़, पौरी, गढ़वाल, कोटद्वार, श्रीनगर, चामोली, तेहरी, उत्तरकाशी। तो यहाँ पर ही आपका एग्ज़ाम सेंटर है। तो इस फॉर्म को मैं अपने फ़ोन से भर रहा हूँ, आप लोग उनके पास अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो आप लोग उससे ही भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से लिंक में क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ तक पहुँच जाइएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो अप्लाई नाउ लिखा है उसमें हम लोग क्लिक करके आगे प्रोसेस करना है। और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपका जो कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे उसका मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर जो है सॉरी ईमेल आईडी जो है वो आपका रेगुलर यूज़ वाला होना चाहिए। और इसमें जो आपका फ़ोटो अपलोड डालिएगा वो 50 से लेकर 20 KB तक होना चाहिए, सॉरी आपका सिग्नेचर जो है सॉरी फ़ोटो जो है आपका 20 से लेकर 50 KB तक होना चाहिए, और सिग्नेचर जो आपका 5 KB से लेकर 20 KB तक होना चाहिए, और आपका जो फॉर्मेट है आपका जेपीजी साइज में होना इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वहाँ अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपका खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट नाम आ गया, फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, और आपका जो है नेशनलिटी आ गया यहाँ पर ही, डोमिसाइल आ गया, और कैटेगरी आ गया, कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया, प्रेजेंट एड्रेस आ गया, परमानेंट एड्रेस आ गया, और पासवर्ड आपको डालना है और इसके बाद कंटिन्यू करना है। तो चलिए हम लोग एक करके भरते हैं। अगर इस फॉर्म को कहीं भी आप लोगों को भरने में दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ राइट साइड में आप स्क्रीन का देख सकते हैं यहाँ टाइमर चल रहा है, तो हम लोग को 29 मिनट का टाइम दिया गया, तो 29 मिनट के अंदर ही हम लोग को फॉर्म भर लेना है। यहाँ पर ही अपना नाम डालने के बाद फाइनल
फादर के नाम डालने के बाद, मदर के नाम डालने के बाद, या डेट ऑफ बर्थ डाल दिए हैं, उसके बाद देखिए जेंडर भी सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद में देखिए मार्टल स्टेटस आ गया, तो मैरिड अनमैरिड या मतलब आपके बिहेवियर की स्थिति पूछा जा रहा है, तो आप अगर मैरिड है तो मैरिड में सेलेक्ट करना, अदरवाइज अनमैरिड में तो अनमैरिड में सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद पेज को नीचे करिएगा आप लोगों, यहाँ नेशनलिटी में जैसे आप लोग पहुँचेगा पेज को नीचे कीजिएगा, तो यहाँ पर इंडियन आ रहा है, फिर आपका जो दो बिंदु बना हुआ अलग अलग, ठीक है, तो तिब्बत सारणी शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 के भारत आए हैं, तो यहाँ पर अगर आप तिब्बत के शरणार्थी हैं जो 1 जनवरी 1962 से पहले अगर भारत आए हैं, तो उसमें वो सेकंड वाला में क्लिक कीजिएगा, या फिर उसके बाद नीचे थर्ड वाला जो है भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, युगांडा, संयुक्त राज्य गणराज्य, तांजेनिया, पूर्वती तांजेनिया और जंजबीर के पूर्व के अफ्रीकी गणराज्य के प्रवाजन किया है, मतलब वहाँ से जितना सारा एड्रेस दिया गया यहाँ से अगर आप पहले अगर आए हैं तो ये तीसरा वाला में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर आएगा डोमिसाइल डिटेल, तो यहाँ पर ही आपका डोमिसाइल कहाँ का है, अगर आपका डोमिसाइल उत्तराखंड है तो इसमें यस कीजिए, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद पेज को नीचे कीजिएगा तो यहाँ कैटेगरी आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ही अनरिजर्व जनरल में आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर नो करेंगे तो आपको ऑप्शन कुछ नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, फिर कंफर्म ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर, चलिए हम लोग इतना डाल देते हैं और फिर पेज को नीचे करेंगे। ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर डालने के बाद पेज को नीचे करते तो यहाँ पर परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस डाल रहा है, तो आपका यहाँ पर लाइन 1 लाइन 2 जहाँ जहाँ स्टार मार्क है आपको उसी को भरना है, ठीक है। अगर आपको अटेगा नहीं तो आपका जो नीचे में लाइन देगा उसमें भरना है, और उसके बाद में यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो इस बॉक्स में क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। तो चलिए इतना एड्रेस हम लोग भर लेते हैं, अगर यहाँ तक भरने में कहीं आप लोगों को दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर ही मेरा परमानेंट एड्रेस भी सेम है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, मगर आप लोगों ने अगर परमानेंट एड्रेस सेम नहीं रहेगा तो इसको पूरा भरिएगा, ठीक है। उसके बाद पेज को नीचे करना हम लोग को, पेज को नीचे जैसे कीजिएगा तो यहाँ पर प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, तो आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं आपको यहाँ डालना है, तो हम लोग डालते हैं। उसके बाद में नीचे में आपको पासवर्ड एक क्रिएट करना है, और उसके बाद वही पासवर्ड फिर डालना है, और सिक्योरिटी कोड यहाँ डाला, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो इतना प्रोसेस हम लोग चलिए करते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए पासवर्ड भी डाल दिया गया है और सिक्योरिटी कोड भी डाल दिया, उसके बाद कंटिन्यू लिखा, हम लोग इसमें क्लिक करना, सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। यहाँ स्क्रीन में एक मैसेज दिखेगा आपको, जिसमें आपका बोला जा रहा है कि आपने जो डाटा भरा वो एकदम सही है, अगर आप लोग कुछ डाउट रहेगा तो कैंसिल कर दीजिएगा और उसके बाद करेक्ट कर लीजिएगा, अगर सही रहेगा सब कुछ तो उसके बाद ओके कर देना, सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो बॉक्स आ गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करना है, तो चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ बोल रहा है कि आपने जो डाटा भरा है ना वो आपका ब्लू कलर में होगा, ठीक है, और आपने उसमें चेक कर लेना है कि अगर जो ब्लू कलर वाला जो उसके बाद पॉइंट दिया गया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। अगर उसके बाद अगर आपको लगे कहीं उसमें डाउट है तो आप लोगों को सबमिट नहीं कीजिएगा, ठीक है, उसमें एडिट डाटा जो लिखा उसमें करना है, और आपका देख लीजिएगा सही, अगर सही सब कुछ सही होगा तो अगर आपको सब कुछ सही रहेगा तो ऊपर वाले में क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो नीचे वाला में क्लिक करना है, उसके बाद एडिट डाटा में क्लिक कर देना, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा अपना अगर कुछ फॉर्म में दिक्कत होगा तो। चलिए सब कुछ सही है तो हम लोग चलिए सबमिट करते हैं, यहाँ पर फिर आ गया, तो यहाँ पर हम लोग ओके कर देना, सेम इसी तरह आप लोगों की। तो आपको यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, उसके बाद आपका कॉन्फर्मेशन करके लिखाएगा, आपका जो है इसमें सारा डिटेल आपको लिखा गया है, ठीक है, मोबाइल नंबर भी आपका दिखेगा और ईमेल आईडी भी आपको दिखेगा। पेज को जैसे नीचे कीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू लॉगिन लिखा हुआ, हम लोग उसको करना है, क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है, उसके बाद यहाँ जो कैप्चा दिया है उसको डाल के फिर लॉगिन करना है, तो सारा कुछ डाल दिया, चलिए हम लॉगिन करते हैं, सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। तो इस तरह का पेज आपको दिखेगा यहाँ पर ही, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर आपका नाम जो भरा है, फादर नेम, सब कुछ आपको दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ भी दिखेगा। तो उसके बाद यहाँ पर एडुकेशन डिटेल करके जो रेड कलर उसमें क्लिक करना था, उसके बाद हम लोग आपका नाम दिखेगा और उसके बाद एडुकेशन डिटेल हम लोग उसको भरना है। तो यहाँ पर देखिए आपका हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी ये सब आपको लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका कहाँ से किए वो सब आपका लिखना है, मैट्रिक हाई स्कूल जो भी आपका, ठीक है, बोर्ड कौन सा है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ इशू मार्कशीट कब आपका इशू हुआ वो आपको डाल देना है, और उसके बाद में क्या क्या सब्जेक्ट था वो डाल देना है। तो चलिए इतना कर लेते हैं, यहाँ हाई स्कूल जो हम लोग सेलेक्ट डाल दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्क्स टाइप आपका किस टाइप का है, मार्क्स था, सीजीपी था, ग्रेड था, तो आप लोग उनको जो भी है लिखना है। उसके बाद देखिए मार्क्स ऑब्टेंड आपका कितना था वो लिखना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है और कितना परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर जो जो मैंने
प्राप्त किया और जितना मेरा था आज जितना परसेंटेज सारा डाल दिया। उसके बाद देखिए इंटरमीडिएट डिप्लोमा डिटेल आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपका क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना है कि टूअर था कि डिप्लोमा था, तो टूअर है तो टूअर कर देना है और डिप्लोमा तो डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद सेलेक्ट नेम ऑफ डिग्री, तो वो भी आ गया सेलेक्ट करने का। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ही यूनिवर्सिटी बोर्ड आ गया, तो वो भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया। तो आपका जैसा था एक एक करके आप लोग सेलेक्ट करते जाइएगा। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर विषय का जो ऑप्शन है उसमें देखिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर आपका जैसे कि एग्रीकल्चर था कि आर्ट्स था कि कॉमर्स था कि साइंस था, जो भी था आपका सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मार्क्स टैब में आ गया, तो यहाँ पर फिर वही आ गया मार्क्स सीजीपी ग्रेड। तो जिस टाइप का आपका इंटर में था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर जितना मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं, कितना मार्क्स का था, कितना परसेंट था, सारा कुछ डालना है आपको। उसके बाद देखिए आपका यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन आ गया, तो यहाँ भी स्टार मार्क डाला हुआ, तो इसको भी आपको भरना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन टाइप का क्या है जो आपको डालना है यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलिए इस कॉलम को भी हम लोग भर लेते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह आपका मार्क्स का टाइप जो वो लिखना है। उसके बाद देखिए अगर आपके पास और कुछ क्वालिफिकेशन है तो एड मोर क्वालिफिकेशन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हैव यू सर्व द ट्यूटोरियल आर्मी फॉर टू ईयर्स मोर, इसमें क्या आप 2 साल या उससे अधिक के लिए प्रदेशी सेना में सेवा की है, अगर काम किए तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। फिर क्या आपके एनसीवी भी प्रमाण पत्र किया है, अगर है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। क्या आपका एनसीसी प्रमाण पत्र किया है तो आपके पास हैगा तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट मेन रिटर्न एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा जो भी आप लोगों को यहाँ पर से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ही आपका अदर डिटेल आ गया, तो यहाँ पर प्रेफरेंस सेंटर हम लोग का जो सेंटर कहाँ पर आपको देख लीजिएगा, जो आपको जहाँ जाना है जिस सेंटर में आपको एग्ज़ाम देना है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेंटर टू भी आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए क्या आपको शारीरिक मानदंड ऊंचाई में छूट चाहते हैं, अगर आप हाइट में रिलेक्सेशन चाहते तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। फिर उसके बाद क्या आप एम्प्लॉय है कार्यरत है, तो अगर हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। फिर क्या आपको लिखित कोई आपराधिक मामला लंबित है, मतलब आपके नाम से कोई काम केस उस किया हुआ है क्या, अगर है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। फिर उसके बाद देखिए क्या यूके पीएससी यूपीएससी अन्य राज्य सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वांछित या कला सूचीबद्ध है, तो ये सब में आपका कुछ अगर है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिए। फिर उसके बाद कैंडिडेट आईडी प्रूफ, तो आपको यहाँ पर देखिएगा आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन, तो आपके पास जो भी आईडी है उसको डाल देना। फिर उसके बाद आपका जो है आईडी नंबर डाल देना, उसके बाद सबमिट कर देना। चलिए सारा कुछ भरा गया है, आप सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो है यूनिवर्सिटी स्टेट जो हम लोग सेलेक्ट नहीं किए हैं उसको डाल देते हैं। चलिए आप सबमिट कर देते हैं। अगर आपका कोई छूटा रहेगा तो सबमिट नहीं लेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ही, तो सबमिट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि सारा डाटा जो आपने भरा उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिए, अगर कुछ डाउट लग रहा तो फिर कैंसिल कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर ही आपका जो है लेटेस्ट फ़ोटो डालना है और सिग्नेचर डालना है, तो चलिए हम लोग डाल देते हैं। और साइज या दोनों के लिए हम लोग बता दिए हैं, यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर हम लोग डाल दिए हैं। उसके बाद पेज को नीचे करना है, यहाँ पेज को जैसे नीचे किया है तो यहाँ पर अपलोड लिखा है तो अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आपका मैसेज दिखेगा, तो अगर सब कुछ अच्छा है सही है तो ओके कर देना, अदरवाइज बैक कर देना। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हम लोग का इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ पर ही आपका पेमेंट पेज को बीच में लाइए, तो यहाँ पर जो आपने डाटा भरा है आपका नाम फ़ोटो अपना सारा डिटेल आपको दिख जाएगा यहाँ पर ही। फिर पेज को हम लोग नीचे करते हैं, यहाँ सब कुछ आपने जो भरा है सब कुछ आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया और राइट साइड में स्क्रीन का नीचे में आपका सिग्नेचर दिखा, तो यहाँ पर ही जो आपका डिक्लेरेशन उसको पढ़ लेना है और दोनों में जो बॉक्स हम लोग उसमें क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही क्लिक हियर टू मेक पेमेंट में क्लिक करना है आप लोगों को, सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। उसके बाद फिर ये पेज खुलेगा आपका जिसमें आपका फोटो, तो पेज को जैसे नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आ गया, तो पे नाउ में हम लोग क्लिक कर देना है। तो आपका देखिए यहाँ पर ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर ही आप लोगों के पास जो है डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड जो भी आप लोग इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके हिसाब से पेमेंट कर लीजिएगा। तो इतना सारा प्रोसेस है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर यहाँ तक भरने में आप लोग कहीं कुछ दिक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी भाई बहन इस फॉर्म को भरना चाहते हैं अगर उनको भरना का प्रोसेस नहीं पता है तो उन्हें देख के भर लें, ताकि उनका मिस्टेक ना हो
और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।